हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। टू इम्परफेक्ट कपल येट दे आर परफेक्ट टुगेदर, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ लव और जो की। अब ये दो कैरेक्टर आपके फेवरेट है या नहीं, लेकिन वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बता दूँ कि ये दोनों मेरे पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर है और यू सीरीज उन सीरीज में से एक है जो नेटफ्लिक्स की मैं खुद देखने के लिए डेस्परेट रहता हूँ और मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ। हालांकि मेरे दो सब्सक्राइबर कमलेश ठाकुर और हाइब्रिड टीवी ने कहा कि भाई यू सीजन 3 का रिव्यू करो और जो तुम्हारा अटेंशन चाहता है, लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलूंगा भाई, जो एक ऐसा इंसान है जिसकी तरफ खुद ब खुद इंसान का अटेंशन खुद ही चला जाता है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। खैर बात करेंगे सीजन 3 की, तो उससे पहले मैं बिग शाउट आउट देना चाहूंगा मेरे उन सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने कमेंट करके बताया कि जो कि ऐसी कौन सी क्वालिटी से जो वो लोग खुद में भी महसूस करते, तो ये उनके नाम है, तो मैं उनको दिल से थैंक यू बोलता हूँ। लेकिन तुम लोगों से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, वो ये है कि एक क्वालिटी जो आप लोगों ने नहीं बताई, क्या पता वो आपके अंदर है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो क्वालिटी है मुट मारने की, सोच के मुट मारने की। अब ये सिर्फ कुछ लोगों के अंदर है, ये आप सभी लोगों के अंदर ही है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर अब बात करेंगे सीजन 3 के प्लॉट की, तो अगर आप लोगों ने सीजन 1 नहीं देखा, सीजन 2 नहीं देखा, तो सीजन 3 आपको घंटा भी समझ में नहीं आने वाला, क्यों कहानी एग्जैक्ट कंटिन्यू होती है। फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे दूँ, जो जो कि एक बुक स्टोर में काम करता है, अभी इस बंदे के लाइफ में कुछ पास्ट में ऐसी चीजें हुई है जिस वजह से इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन ये जब भी किसी लड़की को देखता है तो वो उसके पीछे दीवाना हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बस देख लिया उसके पीछे चलता हो गया, ऐसा नहीं होता, जो पूरी तरह से रिसर्च करता है और रिसर्च करने के लिए उसकी सबसे बड़ी मदद होती है सोशल मीडिया, यानी कि आज की तारीख में जो आप लोग सोशल मीडिया में आपकी लाइफ की सारी चीज़ें डालते हो ना, तो उसी चीज़ों से जो उस लड़की से या जिस लड़की जिसके बारे में जो जानना चाहता है, यानी कोई भी लड़का हो, उसके नेबर्स, उसके रिश्तेदार हो, सबके बारे में जानने के लिए जो सोशल मीडिया का यूज़ करता हो, उसके बाद जो क्या क्या कांड करता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको यू सीरीज देखनी पड़ेगी। लेकिन अब सीजन 3 की बात यह है, जो को बेटा हुआ हेनरी, जो कि वो नहीं चाहता था, वो चाहता था बेटी हो, लेकिन फिर भी जब उसको बेटा हो गया तब ऐसे में उसकी लाइफ किस तरह से उलझ रही है, और क्योंकि उसके अंदर जो एक स्टॉकर है वो तो अभी भी कहीं ना कहीं छुपा है, तो वो कैसे इन सारी चीज़ों से निकल के एक नई लड़की का स्टॉक करता है, फिर उसके बाद क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। मुझे पता है कि रिव्यू कुछ अलग ही दिशा में जा रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है कि यू शो के सीजन 3 का रिव्यू ज़्यादा लोग नहीं देखने वाले, 100 लोग भी इस वीडियो को देख लेंगे ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। खैर अब बात करें शो के कैरेक्टर्स की, तो देखो यार यहाँ पर दो मेन कैरेक्टर है, एक तो है लव और दूसरा है जो। इन दोनों कैरेक्टर्स के अंदर जो लेयर्स आप लोगों ने फील किए ना, स्पेशली जो के अंदर, और जैसे शो प्रोग्रेस हुआ, यानी कि जैसे 3rd सीजन आया, जो के पास्ट लाइफ के बारे में और भी हमें जानने को मिला, तो उससे हमें जो के बारे में और भी ज़्यादा समझ में आता है। प्लस जो अगर आप सीजन 3 में देखोगे तो यहाँ पर वो एक स्टॉकर तो है, लेकिन साथ साथ एक अच्छा हस्बैंड और एक अच्छा बाप बनने की भी कोशिश कर रहा है, और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो करने की कोशिश कर रहा है, वो भी बताती है कि जो अपने आप में एक अलग ही लेवल का इंसान है भाई। और जिस तरह से उस कैरेक्टर को यहाँ पर पैन बेंटले ने परफॉर्म किया है, मैं तो एक ही चीज़ बोलूंगा, जैसे आयरन मैन रॉबर्ट डॉनी जूनियर के अलावा कोई प्ले नहीं कर सकता, वैसे जो के कैरेक्टर को पैन बेंटले के अलावा कोई प्ले नहीं कर सकता। उसके अलावा विक्टोरिया पेडरेट्री, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम किया यार, सीजन 2 हो या सीजन 3 हो, मतलब वो एक ऐसी साइको लड़की, एक ऐसी अजीब सी लड़की है कि मतलब वो अपने हस्बैंड को प्यार करती है, उसके लिए इतनी ज़्यादा, मतलब कभी अगर वो किसी और के अफेयर में आ गया तो मतलब एकदम आग बबूला हो जाए, और वो अपनी फैमिली से रिलेटेड, बेटे से रिलेटेड, अपने हस्बैंड से रिलेटेड कुछ भी सुनना नहीं चाहती, मतलब वो सामने वाले को सीधा मर्डर कर देती है। कुछ लड़कियां होती है जो गाली देती है या गुस्सा होती है, लेकिन ये तो सीधा मर्डर कर देती है, मतलब ये तो जो से भी ज़्यादा हटेली लड़की है। लेकिन सीजन 3 में भी जो चेंजेस मैंने उसके अंदर फील किया ना, आपसे ये दो कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छे लगे। उसके अलावा जो दूसरे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनको भी बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है सीजन 3 में, जो कि बहुत ही मज़ा आ गया। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है और BGM तो भाई इसका आउटस्टैंडिंग है, वो गूज बम्स, वो एक हॉन्टेड BGM, मतलब जब इसका टाइटल रोल होता है ना, तभी मतलब एक वो अलग सी बेचैनी हो जाती है अंदर इसका BGM सुन के, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और राइटिंग अच्छी है, डायरेक्शन अच्छा है, और सीजन 3 कुल मिला के देखा है तो आई वॉजन एक्सपेक्टिंग कि यार इतना सब कुछ देखने को मिलेगा जो मैंने विटनेस किया, मुझे सीजन 3 बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसके ऐसा नहीं है कि नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि भाई जो ने इतने कांड कर लिए, और इतने कांड करने के बाद भी वो आसानी से इन सारे कांडों से बच के निकल जाता, तो वो अब थोड़ा हजम नहीं होता, वो चीज़ यार अब ज़्यादा हो गई। भले मैं फैन हूँ इस पर्टिकुलर शो का, लेकिन अब वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब ऐसा कुछ बताओ यार कि जिसमें जो भी थोड़ा उलझे, मतलब
इस थर्ड सीजन में भी उसने बहुत कोशिश की बचने की, और वो कैसा बचा वो तो आप लोग खुद शो में देख लोगे या देख चुके होगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। उसके अलावा अगर थर्ड सीजन की बात करें तो देखो, फर्स्ट एपिसोड से लेकर 10 एपिसोड तक, जो कि मैंने बताना भूल गया कि हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 44 मिनट से लेकर 53 मिनट्स के बीच में, और ये आपको हिंदी में देखने मिलता, सॉरी मैंने बताना भूल गया था, लेकिन कोई बात है क्योंकि मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता, जो भी है बस आपके माइंड में सब कुछ है। खैर, तो ये पूरे 10 एपिसोड है ना भाई, एक ऐसा नहीं चलते, मतलब कहीं पे कुछ ऐसे मोमेंट से जब शो एकदम ऊपर चला जाता है, फिर एकदम डाउन चला जाता है, फिर एकदम ऊपर चला जाता है, फिर डाउन चला जाता है, ऐसा तकरीबन पूरे 10 एपिसोड में आप लोग फील कर पाओगे। और कुछ जगह पे आप कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी भी महसूस करते हो, तो वो इस शो को थोड़ा एक माइनस पॉइंट पे लेके चले जाता है। एक फैन के नज़रिए से देखा जाए तो सीजन 3 ने भी डिसअपॉइंट नहीं किया, लेकिन अगर न्यूट्रल ऑडियंस से देखा जाए तो ये शो और भी बेटर हो सकता था। तो मैं रेटिंग दूंगा यू सीजन 3 को 9 out of 10। 1 मार्क सिर्फ इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा शो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, इसलिए अदरवाइज 10 out of 10 ही डिजर्व करता है। पेरेंटल गाइडेंस में इतना बोलूंगा ये फैमिली के लिए नहीं है, बहुत सारे किसिंग सीन है, कुछ एडल्ट सीन भी है जो कि आप लोग को देखने को मिल जाएंगे और हमेशा देखने को मिलते भी है। यार बस इस वीडियो में इतना ही, आप लोग अब बता सकते हो कि आपको यू सीजन 3 कैसा लगा, आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल हुई या नहीं हुई, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, ज़्यादा बकचोदी हो गई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो 3 मिनट की बनाने की। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अब जा रहा हूँ मैं ऑफिस, बाय।